भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा ने नामांकन दाखिल करने के बाद सभा को किया संबोधित। रामपुर की लोकसभा प्रत्याशी रामपुर से पूर्व रही सांसद जयप्रदा ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद आदर्श रामलीला ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे सामने ये चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका मुझे डटकर मुकाबला करना है। इतना ही नहीं, आजम खान के जुर्मों को याद कर लोकसभा प्रत्याशी जयप्रदा भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। मुझे वो ताकत मेरे साथ है कि पूरी भाजपा मेरे साथ है। भाजपा के सारे वरिष्ठ नेतागण मेरे साथ है। मैं पहले जैसे मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मैं हंसना चाहती हूँ। मुझे जीने का हक है, जीऊंगी मैं और जीकर मैं आपके लिए सेवा करूंगा। आज इस बात पर मैं गर्व हूँ, गर्व एहसास कर रही हूँ। उस पार्टी में हूँ जो महिलाओं के लिए रक्षा हो। आज मैं आपको भाई भाई कहते हुए एक राखी के आपने उसके राखी का जो राखी का जो महत्व है आप पहचान नहीं पाया है। भाई होकर एक बहन को आपने नाचने वाले कहा है, भाई होकर आपने मुझे पजेब कहा है, भाई होकर आपने मुझे कितना बद शब्द आपने कहा है ये मुझे पता है। फिर भी मैंने आपके बीच में आके 2009 में काम किया है। अगर मैं कभी भी आप बोलिए मैंने कभी ऐसे कोई गुनाह किया है तो आप बताइए, आप मुझे सजा दीजिए। लेकिन मुझे मालूम है मैंने ऐसे कोई नहीं गुनाह नहीं किया है, बल्कि मैं आपके विकास के लिए मैं कितने